things are taking place. If that is so, then ये कोई छात्र नहीं है, यह है देश के कुछ जाने माने कुछ अनजाने स्कूलों के प्रधानाचार्य। अपने स्कूल के छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें, इसलिए ये छात्र बन गए हैं। दरअसल भारतीय शिक्षा प्रणाली की खोट यह है कि यहाँ प्रधानाचार्य अथवा प्रिंसिपल होने के लिए उच्चतम अकादमिक शिक्षा ही उनकी योग्यता मानी जाती है, भले ही इस शिक्षा में प्रबंधन अथवा नेतृत्व का पाठ न दारा हो। ऐसे में एक गैर सरकारी संगठन ने इस दिशा में ठोस पहल की है। मैनेजमेंट का जो हिस्सा था वो था नहीं हमारे पास। सब लोग चाहते हुए क्या, सब चाहते हैं कि एजुकेशन में हमें अच्छा करना चाहिए, मगर कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल बेस पे कोई ऐसा चाहिए जो कि पोजीशन जो होद्दे से भी लीडर हैं और जिनमें लीडरशिप की खूबियां भी हो, इसलिए हमने खास करके ये कोर्स शुरू किया। एक प्रिंसिपल की प्रमुख जिम्मेदारी आमतौर पर दो हिस्सों में बटी है। उसे शिक्षकों के एक समूह का नेतृत्व भी करना है और दूसरी तरफ स्कूल के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभानी है, और इन दोनों ही बातों का संबंध बेहतर शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास से है। इसीलिए इस संगठन की यह भूमिका काफी रचनात्मक है। हमारा रोल ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई वी आर सेज ऑन द एन द स्टेज कि हमें सब कुछ पता है और इनको कुछ नहीं पता। हमारा तो रोल एज अ फैसिलिटेटर है, वी आर द गाइड ऑन द साइड। जो वो लोग बातचीत जो करते हैं उसी में से कुछ लेके फिर हम आगे उनको दो कदम आगे चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या प्रिंसिपल ऐसा महसूस करते हैं? हमने इस बारे में कई प्रिंसिपलों से बात की। नवोदय विद्यालय के प्रमुख अधिकारी मुकेश ने हमें बताया। उसके लिए जो ये चैलेंजिंग जॉब होती है या चैलेंज होता है उसको कैसे इफेक्टिवली डील करें, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सारे एस्पेक्ट को सोचना पड़ता है, एक टोटल कंसेप्ट को देखना पड़ता है। उसके लिए इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस हो या टीम लर्निंग की बात हो या इस तरह के सिस्टम थिंकिंग की बात हो, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर तो मिलता ही है। इस गैर सरकारी संगठन की कार्यशालाओं में हिस्सा ले चुके प्रधानाचार्यों की राय है कि इससे उनको स्कूल के प्रशासन में मदद मिलती है। इस खास प्रशिक्षण को वे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको कि अगर वो अपने डे टू डे लाइफ में करे स्कूल को चलाने के लिए तो जरूर आगे से आगे बढ़ सकता है। एटलीस्ट दे कैन गो नियर टू द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, क्या प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके से वो उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक विजन मिलती है जिसकी वजह से वो किसी भी जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके उसको फुलफिल कर सकता है, जो शायद पहले नहीं थी उस लिहाज से। यह तो तय है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले इन प्रिंसिपलों के लिए नई रोशनी बनी यह संस्था एक मजबूत हथियार बन गई है, एक ऐसा हथियार जो हमारा कल तराश रहा है, हमारे समाज के लिए उम्मीद की नई रोशनी जगा रहा है।